नमस्ते। अक्सर जब भी साउथ एशियाई देशों की बात होती है, शहरों की बात होती है, तो लोगों के जहन में आते हैं सिंगापुर, बैंकॉक और हांगकांग। लेकिन एक और ऐसा देश है, एक और ऐसा शहर है जिसके बारे में मैंने तो सबसे पहले तब सुना था जब 1988 के ओलंपिक गेम्स हुए थे, शायद आपको भी याद हो। तो आइए हम आपको एक बार फिर से ले चलते हैं साउथ कोरिया। ये है सियोल, या जैसा कि यहाँ के लोग इसे बुलाते हैं, सोल। 70-70 मंजिला इमारतों की कतार है, सड़कों पर इंसानों की भीड़, लेकिन 1 करोड़ की आबादी वाले इस शहर की ट्रैफिक बिल्कुल सुलझी हुई है। दक्षिण कोरिया की राजधानी का मुकाबला आप दिल्ली से करेंगे तो दुखों का अंबार लग जाएगा, इसलिए बात सिर्फ सोल की। एक नजर में ये लगता है तो हांगकांग, टोक्यो और सिंगापुर से मिलता जुलता शहर, अगले ही पर लगता है कि न्यूयॉर्क में है। यहाँ पर पेड़ भी प्लानिंग के हिसाब से उगते हैं। प्लानरों का कमाल ही है कि बीच सड़क में नहर आराम से बही जा रही है। सीमेंट की दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया है। तभी तो सोल को 2010 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वर्ल्ड डिजाइन कैपिटल के खिताब से नवाजा है। उत्तर कोरिया से युद्ध ने इस शहर को मलबे के ढेर में बदल दिया था, लेकिन राख की ढेर पर ये शहर ऐसे खड़ा हो गया है जैसे अगले 100-200 साल के लिए कमर कस ली हो, सालों के युद्ध की धूल को झाड़ कर। tubar.com